खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि 1971 में इनसे पूछिए, इन्होंने बांग्लादेश के मुसलमान भाइयों के साथ क्या किया। 1971 में इन्होंने ऑपरेशनल सर्च लाइट चलाया था ढाका में, जिसमें ढाका यूनिवर्सिटी जाके उनके प्रोफेसरों, उनके स्टूडेंट्स, उनके बच्चों को बुरी तरह से, बेरहमी से, जान से मार डाला। ये हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें, इन्होंने कोई 1 मिलियन बांग्लादेशी जो है वो जान से मार डाले, 3 मिलियन बांग्लादेशी जान से मार डाले, 1 मिलियन बांग्लादेशी औरतों की असमत लूटी, 10 मिलियन को रेफ्यूजी बना के भारत में धकेल दिया था। 1947 के दंगों से ज्यादा बड़ा ये जो था, ये मैनकाइंड मास था, इस तरह से आपने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की थी। आप जरा उनसे पूछिए, आपने बंगालियों का कत्ल किया वहां पे, हम तो आपसे लड़ रहे थे कि आपने हम क्या तो आपसे लड़ रहे थे, हम तो आपकी इग्रेशन को रोक रहे थे, लिभाया था, आपने बंगालियों का कत्ल किया वहां पे ताकि पाकिस्तान आर्मी में पड़ जाए वो, आपने वहां पे जो भारत ने इग्रेशन किया है इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है ना। कभी आप तो चाहते हैं जहां भी मुसलमान हो आपस में लड़ पड़े या मार दिए जाएं। अरे साहब, आप आपके देश के हमदुर रहमान जो थे चीफ जस्टिस, उनकी रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए। उसकी रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्या कत्लोगारत आपने किया था, क्या जुल्म ढाए थे बांग्लादेश के मुसलमानों के ऊपर, फिर आप जरा बात करें कि आपको क्या हक अच्छा, है। आपने बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की, आपने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, आप हमारे मुल्क में घुसे, वो क्या था जीडी बख्शी साहब, आप हमारे मुल्क में घुसे, आपने हमारे प्रॉब्लम है हमारे सर पे थोप दे, आप आज कहते हैं हमारे सर पे थोप दे, हमारे 8-9 महीने हम हाथ जोड़ते रहे, इन्हें वापस ले लें साहब, वापस ले लें, आपने कुछ किया नहीं, फिर आपकी हवाई फौज हमारे एयर बेसिस पे हमला करती है, आप क्या समझते हैं, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे, तमाशा देखेंगे।